नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। बुलंदशहर के खुर्जा से भाजपा विधायक विजेंदर सिंह ने आज पीपीई किट पहनकर खुर्जा में स्थित सूरजमल जटिया अस्पताल, जो कि कोविड L2 अस्पताल बनाया गया है, उसका निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक ने कोरोना पीड़ित मरीजों का हाल जाना, जबकि पीड़ितों ने इस दौरान डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। कुछ मरीजों का कहना रहा कि ऑक्सीजन और दवा न मिलने के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, जबकि इस दौरान CMS की ओर से दवा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने का दावा किया गया। वहीं विधायक विजेंद्र सिंह ने डॉक्टरों को दवाइयों के साथ कोरोना पीड़ित मरीजों से अच्छा व्यवहार रखने की भी चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि यदि किसी मरीज को कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूर किया जाएगा, जबकि अस्पताल में समस्त मरीजों को जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का टोल फ्री एवं सरकारी और प्राइवेट नंबर भी उपलब्ध करा दिया गया है। विधायक ने दावा किया है कि अगर डॉक्टर्स ने मरीजों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इसकी शिकायत वो आगे DM से करेंगे। मैं आज कोविड अस्पताल में गया था अंदर और पीपी किट पहन के गया था, और वहाँ पर मुझे बाहर वो तीमारदार भी मिले थे, उसके जो जितने भी मरीज हैं वहाँ पर मैंने उनसे भी बात की थी। तो तीमारदार अवजर भागुकता में जैसे कह देते हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं और माता हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी का भाई है, कि व्यवस्था अंदर ठीक नहीं है, कोई एक आध लोग कह देते हैं, लेकिन अधिकतर उन्होंने वैसे व्यवस्था सही बताई वहाँ पर। तो पीपी किट पहन के मेरे संग वो RC वर्मा जी हैं, CMS साहब, वो भी गए थे, हम दोनों गए थे। तो हमने जाके मरीजों से सभी से बात करी तो हमारे वहाँ पर ऑक्सीजन की दवाई गोली की व्यवस्था हमको कहीं तक ठीक मिली, और एक दो मरीज उसमें थे वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन हमारे को नहीं लग पाई है और हमको परेशानी हो रही है। तो मैंने CMS से पूछा, मैंने कि इनके डॉक्टर साहब ऑक्सीजन क्यों नहीं लगी है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे बताया CMS साहब ने कि विधायक जी इसकी हिसाब से दी जाएगी जितनी ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत है, अगर हम ज़्यादा देंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए कभी कभार हमको हटानी पड़ती है। लेकिन विधायक जी देखा मैंने कि तीमारदार अंदर सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं पहुँच रहे हैं, केवल जो सफाई कर्मचारी हैं वो सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो डॉक्टर भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं जा रहे हूँ डॉक्टर, जब CMS मेरे साथ गए हैं RC वर्मा जी तो डॉक्टर लोग भी जा रहे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं थी। किसी मरीज ने मुझे नहीं बताया कि वहाँ पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तीमारदार घूमते दिखाई दिए थे, भावुकता में तो चले ही जाती हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन भावुकता में डॉक्टरों पर भी तीमारदार नहीं रुकते हैं, क्योंकि किसी का माता है, किसी के पिता है, किसी के भाई हैं, किसी की सासू माँ हैं, किसी की अब ऐसे रिश्तेदार हैं तो अपने घर वाले हैं, तो इस वजह से जो रुकते नहीं हैं तीमारदार। अब डॉक्टर तो मना ही भी करते हैं, भाई नहीं आओ यहाँ पे, इनके पास आना ठीक नहीं है, संक्रमण और ज़्यादा फैलेगा, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, भावुकता में आ जाते हैं तो फिर वो भी मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर लोग। जी, आपने कोई नंबर भी व्हाट्सएप किया है क्या है? हाँ, मैंने अपना नंबर डाला, मेरे प्रतिनिधि हैं हरिंदर जी, मेरे उनका भी नंबर मैंने डाला है, अपना नंबर भी डाला है, व्हाट्सएप भी किया है मैंने, फेसबुक पर भी डाला है, कहीं कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ की, कोई दवाई है या रेविडिशन इंजेक्शन है या कहीं कोई भर्ती होने में दिक्कत है, मैंने अपनी विधानसभा के पूरे क्षेत्रवासियों को ये मैसेज छोड़ा है कि मैं इस कोरोना महामारी में मैं और मेरी साथ सरकार उनके साथ है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी दिनों रात इसी में लगे रहते हैं, मेरे प्रदेश की और मेरे देश की जनता सुखी रहे, अच्छा रहे, अच्छे से रहे और कोरोना महामारी में ज़्यादा परेशानी ना उठा पाए। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।